श्री कमला को नमन है।
ललितावन माला जयो जय देव हरे हरे। सभी को बोलना जय जय हरे हरे।
जय राधे कृष्ण जय जय राधे।
जिनका रूप ही आनंदमय है और जो सबको आनंद ही देते हैं और सबका मंगल ही करते हैं, जो इनका अमंगल करना चाहे उनका भी मंगल करता है, ऐसा दाता कहीं मिलेगा? यहां तो वो गुरुजी है, वो भगवान है कि उनका कोई अमंगल भी करना चाहता है तब भी मंगल में ही कामना करते हैं। घर में भी यदि घर का बेटा बेटी कोई भी भाई बंधु पिता माता कोई भी संबंध वो अगर धोखा देता है, क्या बोलते हैं वो घर का भेदी, सबको पता है घर की सारी समाचार सब कुछ इधर उधर बांटना पड़ता है, तो माता पिता का या भाई का किसी का भी मन दुखी होता है, लेकिन तब भी हृदय बड़ा होता है और वो क्षम में है जिसको क्षमा किया जाता है। लेकिन क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि वो फिर से करता रहे, क्षमा करने का अर्थ है पश्चाताप और वो गलती दोबारा ना करे और सच में समझे कि मेरा वास्तव में हितेशी कौन है। हम यही नहीं समझ पाते हमारा हितेशी कौन है, लेकिन गुरुजनों से और भगवान से बढ़कर हितेशी हमारा कोई नहीं। इसलिए ये सारे संबंध अपनी और अपनी एक तरफ है और दूसरा भगवान जी और गुरु जी ये सबका मंगल विधान ही करने वाले हैं, इनके कार्य में अमंगल है नहीं। इनका स्वीकार करना और इनका त्याग करना दोनों ही मंगल से होते हैं। अब ये हमारी इच्छा है हम माया को पकड़े या इनको पकड़े, इसमें भगवान चुप रहते हैं, इसमें गुरुजी चुप रहते हैं कि ये अपनी स्वतंत्रता का जैसा व्यवहार करेगा वैसे ही इसके साथ ये यथा मां प्रबलते काम सदैव भजाम। जो जितना भजन करेगा उतना ही होगा, ये हमारी इच्छा। हम माया का पैर पकड़े या फिर भगवान पकड़े, भगवान के चरण पकड़े, ये हमारी इच्छा। लेकिन इनके कार्य में मंगल ही मंगल है, इसलिए ये मंगल स्वरूप श्री जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है मंगल स्वरूप। इनका आज जन्म तिथि अर्थात इनका जन्म कैसे हुआ, यदि हम कहें भगवान का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ एक ही बात है, मगर जन्म कहने से उसमें थोड़ा सा माधुर्य रहता है। आविर्भाव तो फिर प्रकट होने को कहते हैं, लेकिन जन्म तो जैसे एक बच्चा जन्म देता है ऐसे ही जन्म लेते हैं। और कल इसके संबंध में हम कल सुनी आए कि कैसे इनका जन्म हुआ, लेकिन जगन्नाथ जी का ये जो रूप है, ये जगन्नाथ जी है कौन, ये श्री कृष्ण है, इनका ये रूप कैसा हुआ। श्री कृष्ण तो तीन जगह से टेढ़े, लेकिन जगन्नाथ जी तो बड़े से ऊंचे से बड़ी बड़ी आंखें, देखो गर्दन तो है ही नहीं, पेट है उसके बाद सीधा मुंह है। ये कृष्ण का ऐसा स्वरूप कैसे हो गया, ये भगवान का महाभाव स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं, महाभावमय स्वरूप है। एक बार एक राजा हुए, ये कब की कहानी है, सतयुग, ध्यान से सुनना थोड़ी देर। एक बार एक राजा हुए जिसका नाम हुआ इंद्रजन और इनकी पत्नी का नाम हुआ गुप्ता। इसलिए इंद्रद्युम राजा के महल में एक बार कुछ ऋषि कुछ साधु आए और कुछ बातचीत करने लगे, बोलते हमने भैया ऐसा दर्शन किया आज तक नहीं किया,
किसका दर्शन किया? एक भगवान है, उनका नाम नील माधव है, उनका हमने दर्शन किया। ऐसा दर्शन आज तक हुआ नहीं। और उनका बड़ा सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप है उनका कि देखकर मन मोह हो गया। और एक बात और देखी सुनी उन्होंने कि जो वहां पर प्राण छोड़ता है वो चार भुजा धारण करके वैकुंठ चला जाता है। ये सब देखकर, ये सब सुनकर मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज कुछ साधु ऐसे बात कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न राजा बड़ा उत्कंठित हो गए, बोलते पता लगाओ ये कहाँ है नील माधव जी, साधु को ढूंढो। देखा साधु थे ही नहीं, वहां चले गए। अब तो राजा बड़ा रोने लगा। जाओ, चार मंत्रियों को चार दिशा में भेज दिया कि जाकर पता करो। बहुत समय तक खोज किया, किसी को पता नहीं लगा। तीन मंत्री लौट कर आ गए, लेकिन एक मंत्री जिनका नाम विद्यापति था वे लौट के आए नहीं। ये एक घर में जाकर प्रार्थना करने लगे गांव वालों से कि भैया यहाँ पर कोई रहने का स्थान है, कुछ दिन रहना चाहता हूं। बोलते यहाँ पर एक पिता और उसकी कन्या रहती है, ये अपनी सेवा अच्छे से करें। विश्वावसु नाम है। विद्यापति जी गए, प्रार्थना की क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? तो मैंने कहा रहिए। कुछ दिन रहने की बात कही, लेकिन ये विद्यापति जी, ये जो मंत्री, एक बड़ा सुंदर दृश्य देखते हैं कि ये बूढ़े पिताजी जो हैं, ये सुबह कहीं जाते हैं फिर संध्या में लौट कर आते हैं, और जब आते हैं तो इनके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी आती है। क्या रहस्य है? अब ये घर में रहने लगे, घर में जो कन्या थी उनके साथ इनका प्रेम हो गया। दोनों ने विचार किया हम विवाह करेंगे। पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा मैं तो राजी हूं। दोनों का विवाह हो गया। तब इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पिता रोज कहाँ जाते हैं? बोलते एक कोई भगवान है नील माधव, उनकी सेवा करने जाते हैं। ये तो है, इनका तो मैं खोज करने आया और ये सेवा करने जाते हैं तो पता तो लगे। बोलते कहाँ है वो? कन्या ने कहा हमको नहीं पता, पिताजी किसी को नहीं बताते। बोलते तुम पता करो ना, मैं नील माधव जी का दर्शन करना जरूर चाहता हूँ। कन्या पिता के पास आ गई, पिताजी पति कह रहे हैं उनको नील माधव जी का दर्शन करना है। पिताजी ने कहा नहीं, उनका दर्शन, उनकी सेवा बस मैं ही करता हूँ और कोई नहीं कर सकता, इसे मैं नहीं ले जाता। और फिर बेटी क्या कह रही, मैं जहर खा लूंगी, आपके सामने मर जाऊंगी। पिता विवश हो गए, है ना? और क्या करेंगे, विवशता है। बोलते अच्छा ठीक है, ठीक है ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि उनकी आंखों में पट्टी, काली पट्टी बांधकर ले जाऊंगा, मार्ग नहीं बताऊंगा, दर्शन कराऊंगा फिर पट्टी बांधकर वापस ले आऊंगा। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, बैलगाड़ी में बैठ गए, पिताजी जाने लगे, पीछे पत्नी पत्नी दोनों बैठ गए। लेकिन वो बड़ी चलाक थी, उसने क्या किया, एक पोटली में सरसों के दाने भर लिए और पोटली में छेद कर दिया, पूरा मार्ग पहुंच गए। जब नील माधव जी के पास पहुंचे तो आंख की पट्टी खोली और विद्यापति जी ने भगवान का दर्शन किया। आहा, इतना सुंदर रूप आज तक कभी देखा नहीं, साक्षात वैकुंठ में मैं पहुंच गया। तुरंत काली पट्टी बांधकर इनको वापिस लिया। अब तो ये बड़े बेचैन रहने लगे, पत्नी से कहने लगे देखो मैं उन ठाकुर जी के बिना रह नहीं सकता, अब मार्ग मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं नील माधव जी का दर्शन और राजा को भी बतलाना है, हमारा जाना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो कन्या ने कहा नहीं नहीं, मैंने एक उपाय सोच लिया था, सरसों के दाने बिखेर दिए, अब थोड़े दिन में वर्षा होने वाली है,
पौधा निकल आएंगे, पूरा मार्ग पता लग जाएगा, है ना चला करती। उसने कहा तुम तो बड़ी समझदार, बड़ा अच्छा कार्य किया। तो ये मार्ग अपने आप पता लग गया। विद्यापति जी एक दिन दर्शन करने गए तो देखा नील माधव वहां है ही। विद्यापति जी राजा के पास गए, बोलते महाराज मैंने नील माधव जी का पता कर लिया। राजा ने कहा मैं तो सोचा तुम शरीर छोड़ दिए, इतने समय के बाद आए, हमने तो सारी आशा खो बैठे थे। बोलते नहीं मार्ग मिल गया। तो राजा और अपने सारी सैनिकों के साथ, विद्या मंत्रियों के साथ नील माधव जी का जब दर्शन करने आए तो क्या देखा, भगवान है ही नहीं। राजा तो जोर जोर से रोने लगा, हे प्रभु मेरे राज्य में आप हो मुझको ही नहीं पता, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। तो एक आकाशवाणी थी, राजन चिंता मत करो, नील माधव वाला दर्शन तो अब प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैं एक रूप में तुम्हारे क्षेत्र में आऊंगा। समुद्र में तीन लकड़ियां तैरती हुई आएंगी, उसी से मेरा रूप स्वरूप बनवाना, उसी से मेरा रूप बनवाना। तो सारी दिशा बता दी, जगन्नाथपुरी में समुद्र से तीन लकड़ियां तैरती हुई आएंगी, जहां पर हम जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जा रहे हैं ना, जहां पर हमारा आश्रम है वही स्थान है जहां पर ये तीन लकड़ियां तैरते हुए, ठीक उसी स्थान पर बम की मुहान, जिससे जो लोग वहां जाएंगे वहां पर बड़ा सौभाग्य वहां दर्शन होगा इस स्थान का। तो इसलिए राजा मंत्रियों के साथ, प्रजा के साथ, रानी के साथ अब जगन्नाथपुरी धाम में समुद्र के तट पर प्रतीक्षा करने लगा। ये तीन लकड़ियां कब तैरते तैरते आएंगी। तीन लकड़ियां आई, राजा ने सैनिकों को बोला जाओ इनको तट पर लेकर आओ। बड़ा प्रयास कर लिया लेकिन ये तो हिलती नहीं, इतनी भारी। अब राजा चिंता में पड़ गया, क्या करूं, भगवान ने जैसा कहा था वैसे कर रहे। फिर एक और आकाशवाणी हुई, जब तक वो विश्व वसु नहीं आएंगे जो मेरी सेवा करते थे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा, उनको लेकर आओ, है ना, वो मेरी सेवा करते थे। तो उनको लेकर जब आए तो बड़े अन्यास आसानी से ही वो तीन लकड़ियां तट पर आई थी। राजा ने बड़ा स्वागत किया, मालाओं से पुष्पों से आरती उतारा और कीर्तन करते करते उनको स्थान पर लेकर आए। और वहीं सतयुग में ही इंद्रद्युम्न महाराज ने वो जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया था जो आज भी चल रहा है। बताओ चौथा युग चल रहा है, मंदिर वहीं का वहीं है, सतयुग का मंदिर है, राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, समझ रहे। तो राजा अब विचार करने लगे, लकड़ियां तो आ गई, भगवान का स्वरूप कौन बनाएगा। इतने में एक क्या बोलते हैं कारीगर आ गए, बोलते मैं जगन्नाथ जी का स्वरूप बनाऊ, मैं भगवान का स्वरूप बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, दरवाजा कोई नहीं खुलेगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कुछ भी हो जाए खोलना नहीं। राजा ने कहा हम नहीं खोलेंगे, तो बाहर से ताला लगा दिया और ये अकेले अंदर ठक 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 करने लगे। राजा कान लगा सुनता, बड़ा उत्कंठित हो जाता, हाँ हाँ कैसा रूप होगा, देखिए भगवान का कैसा स्वरूप होगा, नील माधव जी ने कहा था मैं ही बनकर आऊंगा। कुछ दिन के बाद आवाज आनी बंद हो गई, राजा बड़ा परेशान, रानी से बोलने लगे रानी ये शब्द आना बंद हो गया। रानी ने कहा आप भी कैसे हो, कोई बिना खाए बिना पिए रह सकता है, वो अंदर मर गए, दरवाजा खोलो। नहीं 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 रानी, उन्होंने कहा था जब तक मैं नहीं कहूंगा दरवाजा नहीं खोलना। रानी ने कहा आप समझते क्यों नहीं, आप पर दोष लगेगा, कुछ खाया पिया नहीं, कितने दिन कोई अंदर काम कर सकता है, आप दरवाजा खोलिए देखो। रानी के कहने पर राजा ने दरवाजा खोला और जो अंदर वो बना रहे थे वहीं से अंतर ध्यान आ, और जितना रूप बना था बस उतना ही रह गया, उससे आगे फिर बड़ा बड़ा
ये देखो वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का स्वरूप जितना बना था बस उतना ही रह गया। राजा ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया। हम लोग ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं, कोई महाराज आ जाओ प्राण प्रतिष्ठा कर लो। राजा की अपनी पहुंच है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी आओ, आप अत्रो। ब्रह्मा जी आकर आप विभोर हो गए, प्रणाम करने लगे, बोलते हैं इनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, ये प्रतिष्ठित है, ये साक्षात भगवान है, ये मत समझना आधा रूप हो गया, ये पूर्ण रूप है। लेकिन ये पूर्ण रूप कैसा है, इसका महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रतिष्ठित है। तो ये भगवान का श्री कृष्ण और वो बलराम जी और बीच में उनकी बहन सुभद्रा जी, ये इनका रूप ऐसा क्यों हो गया? अब इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है और इसके पीछे वृंदावन की लीला है। श्री कृष्ण 10 वर्ष के 2 महीने 14 दिन के थे, गोकुल छोड़कर वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए, 16,108 विवाह हुए, रानियों के साथ रहते और रोते रहते दिन रात, राधे 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 बोलते। एक दिन सारी रानियों ने मिलकर विचार किया, ऐसा वो क्या प्रेम था, अभी तो इतने विवाह हो गए हमारे, इतने वर्ष हो गए कि आज तक वो प्रेम भूल नहीं पा रहे और रोते हैं, राधा ललिता विशाखा नाम ले लेकर रोते हैं, ऐसा क्या प्रेम था, विचार नहीं करता। सब लोगों ने मिलकर बलराम जी की माता रोनी मैया को पकड़ा, हे माता आप ही हमको बताओ कि ऐसा वो क्या प्रेम था। रोनी जी ने कहा देखो मैं बताऊंगी तो सही, क्योंकि पूरे द्वारका में एक रोनी जी ही हैं जो ये बात को बता सकती है। रोनी जी ने कहा एक शर्त है मेरी, ये ऐसी एक कहानी है जो मैं बताऊंगी अगर, और अगर कृष्ण सुन लेंगे, अगर कृष्ण सुन लेगा तो ना जाने उनका क्या हो, उसका क्या होगा। तो एक ना एक तो कोई बाहर खड़ी हो कि यदि कृष्ण आए तो हमको बता देना, अब कोई बाहर जाना ना चाहे बोलते हम सब सुनेंगे। तब सुभद्रा जी बाहर खड़ी हुई, बोलते मैं बाहर से सुनूंगी और जैसे कृष्ण आएंगे मैं बता दूंगी। उसी समय रोनी भैया वृंदावन की लीला को गान कर रहे हैं। वृंदावन का भाव कैसा, अभी एक दो दिन से वही सुना रहा हूं, जहां पर सखा कंधे पे चढ़ जाए और कृष्ण उनके कंधे पे चढ़ जाए, जहां एक दूसरे का जूता खा ले, जहां पर यशोदा मैया कैसे कान मरोड़ दे, ये सारा मैं बता चुका हूं पहले से। ये वृंदावन का भाव जो बतलाया, इतने में सुभद्रा जी उस प्रेम की बात को सुनकर कि ऐसा प्रेम तो इतना अनूठा तो जगत में कहीं नहीं देखने आता, ना कभी सुनने में आता। सुभद्रा जी इतनी सुंदरी, इनको योग माया जी भी कहते हैं, सुभद्रा जी का रूप ऐसा हो गया, आंखें बड़ी बड़ी, जब हम कोई सूचना सुनते हैं ना आंखें एकदम ऐसे बड़ी हो जाती है, हाथ अंदर चले गए, चरण अंदर चले गए, ये क्या रूप है, महाभाव स्वरूप। इतना आनंद हुआ सुनकर, इतना आनंद हुआ कि हाथ और चरण भीतर प्रवेश कर गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो ऐसा नहीं सोचना कि रूप बिगड़ गया, ये आप लोग की भाषा नहीं समझेंगे, ये रूप बिगड़ा नहीं, जब परम आनंद की प्राप्ति होती है ना, इतना आनंद होता है शरीर में, इतना आनंद होता है कि शरीर में कुछ विकृति होती है, इनका रूप विकृत नहीं है, हम लोगों का रूप विकृत होता है, बदल जाता है, जैसे किसी को गुस्सा आए तो मुंह कैसा हो जाता है, पीला लाल हो जाता है, किसी को पीलिया हो जाए तो क्या होता है, हरा। तो जैसे जैसे भाव आते हैं उसके अनुरूप ऐसा रूप हो जाता है। ऐसे ही भगवान का ये
परम आनंदमय स्वरूप है, परम आनंदमय स्वरूप। सुभद्रा जी का ऐसा हो गया और इतने में जब कृष्ण बलदेव जी आए बोलते सुभद्रा यहाँ क्या कर रही है और अंदर क्या सुन रही है, तो बलदेव जी ने भी सुना, रोनी भैया ये सब वर्णन कर रही है। जो बलदेव जी ने सुना तो बोलते हैं ये तो ब्रज की लीला, ये ब्रज का प्रेम मेरी मैया वर्णन कर रही है। तो बलराम जी का रूप भी ऐसा हो गया, हाथ अंदर चले गए, चरण भीतर चले गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये बलदेव जी का। इतने में कृष्ण आ गए, अब कौन इनको बताए, सबका तो ये दशा हो रखी है। कृष्ण आए और इन्होंने भी देखा ही क्या हो रहा है भीतर, तो देखा रोनी भैया इन्हीं की लीलाओं का वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण अपनी ही वृंदावन की लीला जब सुनते हैं तो उनका यह स्वरूप हो जाता है। क्या स्वरूप? आनंद वाला महाभाव स्वरूप हो जाता है अपनी ही लीला सुनकर। सोचो अगर हम ये लीला सुनेंगे प्रेम की और ब्रज की, तो हमको भी भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको भी आनंद होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। जब इनका हो सकता है तो हमारा नहीं होगा, निश्चित रूप से। लेकिन वृंदावन के कोई भक्त जो वृंदावन की लीला को जानते हैं उनके संग से ही वो वृंदावन का भाव हृदय में उदय होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सो कृष्ण जब सुने तो उनका भी ये रूप हो गया। तीनों सुने जा रहे हैं लेकिन ऐसे तीनों स्वरूप से खड़े हैं। इतने में नारद जी आए और नारद जी जोर से कहने लगे, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, अब ये वापस अपने उसी रूप में आ गया। तो देख नारद क्या देख लिया, आपका महाभाव वाला रूप मैंने दर्शन कर लिया। आहा कैसा रूप है, भगवान जानते नारद जी का स्वभाव क्या है, ये चुप तो रहते नहीं होते। नारद किसी को नहीं बोलना, किसी को ये नहीं बतलाना। नारद जी ने कहा क्यों नहीं बतलाना प्रभु, ये इतना सुंदर रूप इससे सारे जगत को आप वंचित क्यों करते थे? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ये रूप आप सारे जगत के लिए खुला रखो, सब आकर आपका दर्शन करेंगे और ये दर्शन करते ही आपको भक्ति की प्राप्ति होगी और लोगों को भक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें आपका क्या जाता है? तो नारद जी ने जैसा कहा, नारद जी के कहने पर भगवान ने फिर अपना ये रूप दिखाया, सारे जगत के सामने ये रूप का दर्शन कराया। ये नारद जी की, इसलिए बोलते ना गुरु जी की कृपा, नारद जी जगत के गुरु हैं, उनकी कृपा से आज हम सबको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का और सुदर्शन जी का ये स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये उनकी कृपा। तो इस प्रकार से ये है श्री जगन्नाथ जी के आविर्भाव, उनके जन्म का ये एक रहस्य, जिनका हम जगन्नाथपुरी धाम में जब जम जाएंगे 6 तारीख को तो और भी कुछ सुनेंगे, दर्शन भी करेंगे उसी स्थान पर जहां पर इनका प्राकट्य हुआ है ना। लेकिन ये तो सतयुग की बात है, अभी चल रहा है कलयुग और सन चल रहा है 2021 और महीना कौन सा, अक्टूबर, दिन कौन सा, शनिवार, 2 अक्टूबर को। आज कौन सा इनका आविर्भाव है, इस घर में ठाकुर जी आए इसलिए घर के जो सदस्य हैं उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जिस दिन हम अपने घर में ठाकुर जी लाते हैं, सेवा करते हैं, उस दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। जन्म उत्सव जैसे घर में बच्चों का जन्म उत्सव मनाते हैं, ऐसे अपने ठाकुर जी का भी जन्म उत्सव। इससे होता क्या है, इनको आनंद और प्रसन्नता होती है। इनकी आंखें नहीं है, इनकी तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें। इनके कान नहीं है, इनके कान तो बहुत है, हमारे अंदर क्या है वो भी सुन लेते हैं ये। तो ये लोग भी और ठाकुर जी भी एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं कि मेरे साथ ये लोग घर में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, मुझको बड़ा बनाकर मानते हैं या मुझको अपना नौकर बनाकर रखते हैं। जो लोग इनको घर में इसलिए लाते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी डिमांड पूरी करो, तो मतलब भगवान को नौकर बना दिया।
लेकिन जब इनको इसलिए लाया जाता है, हम इनकी सेवा करेंगे, सेवा के लिए घर में ठाकुर जी को लाया जाता है, तो ये लोग, ये ठाकुर जी भी उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम है विग्रह। विशेष रूप से हमारे भावों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनके लिए त्योहार मनाना, इनके लिए उत्सव करना, इनके लिए सेवा करना, इनको पंखा करना, भोग लगाना, आरती करना, सब कुछ इनके लिए जब किया जाता है तो ये उसको धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए ये ठाकुर जी का आज जन्म उत्सव, और वो भी एकादशी के दिन में हम लोग यहाँ पर आए, हम श्री जगन्नाथ जी से, बलदेव जी से, सुभद्रा जी से और सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों की वह हेतु की भक्ति हमको प्राप्त हो, गुरु चरणों में हमारी निष्ठा हो, और इसी प्रकार जन्मनि जन्मनि भगवत भक्ति हेतु की तुई, हम जन्म जन्म तक हमको आपके चरणों की भक्ति प्राप्त होती रहे। अम्बाला में 2011 में भागवत हुआ था, है ना, और उसके दो साल के बाद 2012 में जगन्नाथ जी आए थे। जब आए थे तो हमने ऐसे कहा था कि आपके घर में रख लेते हैं, उन्होंने बोला ठीक है रख लेते, ऐसे ही रख लेते थोड़े दिन के लिए, लेकिन ना वो छोड़ते हैं जगन्नाथ जी को, ना जगन्नाथ जी को छोड़ते, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तुरंत ही मंदिर से उठाकर यहाँ ले आते हैं। बच्चे भी ऐसे कहते हैं इनके बिना हमारा मन नहीं लगता, नींद भी नहीं आती, ऐसा लगता है घर अधूरा हो गया, बताए ना, सुना सुना लगता है, इसे इसको बोलते हैं आसक्ति हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, बड़े भी और बच्चे भी सभी, इस प्रकार से हमको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कैसे हम लोग ठाकुर जी को इसी प्रकार रिझाते रहें, उनसे प्रेम करें और उनका प्रेम स्वीकार भी करें, उनके हर कार्य में मंगल ही होता है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आज ठाकुर जी का श्रृंगार भी कितना सुंदर, और रोज ही नया नया श्रृंगार होता है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ व्यवस्था की है इसके, क्या करना है, घंटों का केक, ये कौन सा होता है, भोग लग गया, भोग लग गया है जी, तो अच्छा बाकी सबको आ गया, नहीं हमको तो कोई अलग आज हमारे सुंदर गोपाल जी का जन्मदिन, बोलो सुंदर गोपाल प्रभु की जय। नहीं एक एक डेट तो मैंने तैयारी कर रखी है, तो थोड़े से पुष्प हैं, अरे जल्दी बढ़ जाओ सारे जान, अभी
अभी हॉलैंड में हमारे भक्त है उसके भी बच्चे का जन्मदिन है, उसका भी फोन आने वाला है। हरे कृष्णा पकड़ो भाई, हरे कृष्ण करना चाहते हैं। यू रेडी? चलो सभी लोग आज हमारे सुंदर गोपाल गुरु जी का भी जन्मदिन, जगन्नाथ जी का भी जन्मदिन, इनका क्या नाम? सूरज। इसका भी नाम सुंदर गोपाल? सूरज। आप रख दो, आपने रखना है अभी, आप दीक्षा लीजिए। तो इन सब का जन्मदिन हम सभी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे, पुष्पों से इनको हम लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम स्वस्ति नो गोविंदः, स्वस्ति नो अच्युतानन्द, स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुवदातु, स्वस्ति नो वैदतेयो हरिः, स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दघनः सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। कृष्ण करोतु कल्याणं कंसकुञ्जकेसरी, कालिन्दी जलकलोला कुलाहला कुतूहला, माधवो माधवो वाचिः, माधवो माधवो हृदिः, स्मरन्ति साधवः सर्वकार्येषु माधवम्। लाभस्तेषं जयस्तेषं कुतस्तेषं पराभवा, येषाम् इन्द्रिवर्षामो हृदयस्तु जनार्दनः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं ऋषिकेशय मङ्गलायतनो हरिः। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य देवी चक्षुरात्मकं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे सबसे रोज परेशान करता है ना, सबको बोलता है हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, हाथ ऊपर करो। अब जोर से बोलो हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलता है ऐसे तो भगवान कभी नहीं आएंगे, यही बोलता है ना, हाथ ऊपर करो फिर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा वो ये भी बोलता है ना, हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, एक बार ताली बजाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति ही, इस पे डालो मेरे पे नहीं, इसको आशीर्वाद दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बच्चे का भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी अच्छा आरती तैयारी किया ना, रोज ये गाता है, आज मैं गाऊंगा और ये आरती करेगा, पहले वो कर लो। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ के खड़े होके फिर होगा, बैठो बैठो, चलो बैठ। Thank you.
चलो पहले ये करो, ताली तो बजानी पड़ेगी। बहुत सालों से मेरे साथ कीर्तन कथा में सब जगह यात्रा करते हैं, हॉलैंड में, चाइना में भी मेरे साथ गया, हांगकांग में भी गया, ऑस्ट्रेलिया में तो गए थे, हाँ तो सब जगह हमारे साथ जाते हैं और बहुत सेवा करता है, मेरे प्रति विशेष भाव रखता है। हाँ कैसा भाव, बड़ा भाई नहीं, क्या मानता मेरे को, क्या मानता है, पिता मानता है, लेकिन ये मेरा नलायक बेटा है इसलिए इसके मैं कान में रोड़ता हूँ, प्यार भी करता हूँ, इनके साथ कोई कुर्बानी नहीं है हमारी, जैसे अपने बेटे को कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसलिए बहुत वर्षों से भगवान की सेवा की, कीर्तन के द्वारा सबको सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, नाम ही सुंदर है, भजन भी सुंदर, और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार सुंदर भजन गाते गुरु जी की, गुरु परंपरा की और भगवान की सेवा में सारा जीवन नियुक्त करें। इनके पिताजी ने इनको मेरे को दिया था, इसलिए मेरा पूरा अधिकार है इसका, कुछ भी कर दो, ठीक है। जय राधा माधव, जय राधा माधव।
हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे तानी 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 गोरा
जय जय श्री श्री गुरु गोविंद चंद्र की जय श्री जगन्नाथ भगवान सुभद्रा सदर्शन चक्र की जय जनिका विष्णु विष्णुपाल स्तोत्र।